हलवाई गड्डी मां पहुंची है और रोड तैयार सभी भाई लग चुके हैं रोड तैयार करने लगे तैयार करके गड्डी लगा दिए गए सभी रोड तो तैयार करने में दम कर रहे हैं रोड को तैयार ये रोड तैयार हो गया ये देखो जोगरा लग चुका है अभी सोमे सिका आएगा लग चुके हैं आग लग चुकी है वो दांत तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से पक्के जिसके ऊपर रोड ट्रक आएंगे तो सुबह जाके निकलेंगे सारे कंप्लीट सेट हो जाने पर शिक्षक का भी ऐसा हो गया है अब रोड हमारे तैयार हो चुके हैं देखो शिक्षिका के शुरू हो गई है अभी को निकाल लिया गया है रात को हमको तीनों को करते करते 3 बज चुके थे गाड़ने में 2-3 घंटे हमने इनों को गाड़ा रखा इतना में सुबह हो गई है अब ये हमारे आज का हमारे सारे भगवान कुछ भी अकेले भी उन्होंने कहा ये हमारे रामधन भाई साहब टीम के लीडर ये कचौरी भी मना रहे हैं हमारे साथों में रामदेव मना रहे हैं हमारे सारे स्टाफ के हलवाई लगे पड़े हैं मैदा लगाने में तो कोई टोले बनाने में कोई कचौरी तलने में लग रहा है तो कोई जलेबी बनाने में तो कोई जलेबी चावल ये हमारे खीर जलेबी बड़ी फेमस है का नाश्ता चलता है खीर जलेबी का नाश्ता देखो लग रहा है भंडारा में कलचड़ी का थोड़ी देर बाद में कचौरी और जलेबी का नाश्ता चल हो जाएगा हमारे दिन भर डेढ़ नाइट तक नाश्ता चलता ही रहता है कचौरी जलेबी का दिन भर लगे रहते हैं रात को कचौरी का कचौरी सभी भाई लोग अब हमारे बर्तन वाले को भगत जी हवन की तैयारी हवन भी हो रहा है ये हमारा चूर्ण ऑफिस रहा है थ्रेसर से जो घी बाजरे निकालने वाली है जो रहा है देखो किस तरीके तैयार हो रहा है हमारा चूर्ण लक्ष
चालक पीछे और लंबी तो गाड़ी द्वारा इनकी बकरी है जो फंसा जा रही है मोटे मोटे बिना जो प्रेशर में चला रहा है तैयार हो रहा है हमारे खीर में। अब इसमें मिलाएंगे खोआ मावा खुदे देसी घी कंग में डालेंगे ताजे किस्मत बदाम खोपरा अच्छे किस्म मिला देता है खुश हुआ थी। सभी हलवाई बाटा बनाने में लगते हैं। आज दिन भर का काम हमारा बाटा बनाने का रहा के 8-9 बजे तक सुबह से लग चुके हैं। कोई आटा लगा रहा है, कोई चाय पानी की व्यवस्था में, कोई आँच को तैयार करने में, कोई आँच को फूटने में, पक जाने पर सभी लगे पड़े हैं। अब ये हमारे बाटा रखा हुआ है, चल हो गया है इस तरीके से हमारा बाटा रखा हुआ है। बाटा रखा हुआ है, बाटे कुछ लोग बना भी रहे हैं तो कुछ लोग रख भी रहे हैं। मैंने चाचा को काफी अस्थी छोटे मोटे गाँव सभी जुड़े पड़े हैं। जैसा कि भंडारा चल रहा है शुद्ध देसी घी का, यहाँ पर एक दिन तो कचौरी जलेबी चलती है, एक दो दिन चलता है चूरमा दाल बाटी कंटिन्यू। Oh,
चले नहीं पड़े को जो कि लग न पाए दाग न लगने पाए देखो वो चेंज करने में लग गया है। कुछ लोग तो आगे जमाने में लग रहे हैं तो कुछ लोग चेंजिंग करने में लग रहे हैं निकल न पाए दाग नहीं देखो सभी लग चुके और सप्लाई रही है हमारे बाटो आगे से आगे आगे आग लगी जा रही है वो तैयार होती जा रही है उसको सेट किया जा रहा है सारे हलवाइयों की टीम लगी पड़ी है। अभी गणेश जी का भंडारा फ्री करा के आए थे अब यहाँ पर लग गए चुके यहाँ पर लग चुके हमारे बाट तैयार लेगा काम में हाँ ना आधा का तो हम पढ़े ट्रोलिंग करता है अच्छा आधा हम पढ़े 25 करता है 30 करता है तो वापसी पे ले आऊँ ना।
हमने दाब दिए, दाब में चल गया। अब इसको थोड़ी बहुत देर दबी रहेगी, अंदर का गीता तक सही टाइट हो जाएगा, थोड़ी कच्ची नहीं रहेगी। अरे अभी थोड़ी बहुत देर निकालने चालू कर देंगे। बढ़ती वालों के भगताने वाले बेटे को चल्लू गया हमारा भंडारा लगने वाला है। तो पहले भी कट्टी हो चुकी है, तैयार हो चुका है। पैसा सभी भक्तों के लिए आ चुके हैं लोगों को। दाल खाटी चूड़ा शुद्ध देसी घी का दादा का भंडारा, दादा का भंडारा। आइए प्रसाद खाइए, बाबा का भंडारा चालू है। दादा का प्रसाद खाइए। लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से लाइन से पहले शाम के बारे में कहा बताए वही रही है व्यवस्था में आप सहयोग करिए। भंडारा चालू है, दोनों का प्रसाद पाइए। आइए 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 अब भक्ति बाबा का हाथ जोड़े सुनिए। जो पंच प्रसाद पाने आई है वो बीच में थोड़ी सी योगदान में गए। प्रसाद पाने के दौरान बीच में कोई भी सज्जन ना उठे। अब जो आने वाले बंदे उनसे कहिए थोड़ा इंतजार करिए, बीच में कोई भी सज्जन महानुभाव नहीं उठे। ये बाबा का निर्देश है, हमारा नहीं, बाबा का निर्देश है। प्रसादी आराम से पाइए, ये बाबा का निर्देश है, इसलिए प्रसादी झूठे में ना छोड़े। और कोई भी मानवा
मशीन से हमारे इसमें के धूल मिट्टी और राग उड़ाई जाती है। देखो मशीन से किस तरीके से लगा पड़ा हमारे यहाँ पर। एक डीपी भाई साहब है, चाय एक नंबर बुलाते हैं सभी को। उसकी चाय की रोटी रहती है, दो तीन दिन की रहती है। चाय कॉफ़ी ले भी है, किसी को पीना है तो उससे बोलता है डीपी भाई चाय, डीपी भाई कॉफ़ी।